सो गाइज मुझे पता है कि आपको बहुत चीज़ें अच्छी दिखनी है, तो मैं दिखाऊंगा आज बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। अब जरूर पगला जाएंगे। तो मैं ना जीतता हुआ नहीं दिखना। यूपी सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज समझ लो यार। क्या तुम मंत्री मंत्री खेलते रहते हो एक दूसरे की जॉब में? तो आज हम रिएक्शन नोट करेंगे टॉप 10 न्यूज आज तक का, कि हमारे हमारे हिंदुस्तान में आज के दिन क्या चल रहा है। तो एवरीडे मैं आपके मॉर्निंग के लिए एक न्यूज चैनल ऐसे लाता रहूंगा। तो आई जस्ट प्ले दिस वीडियो। लाख के करीबियों के खिलाफ इनकम टैक्स का छापा, भोपाल और इंदौर में जबरदस्त बवाल। पता कितने भारी वर्ड यूज करते हैं, भोपाल मतलब। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ में झड़प, आयकर छापेमारी पर जमकर कहा सुनी। सीआरपीएफ को काम करने से रोका जाता है, मध्य प्रदेश की पुलिस सीआरपीएफ से उलझती है, क्या ये भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास नहीं है? इंदौर में कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के घर पहुंची पुलिस, सीआरपीएफ ने एसएसपी को घर के अंदर जाने से रोका। एमपी के सीएम कमलनाथ का बयान, कहा पूरा देश जानता है संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से हो रहा है इस्तेमाल। प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विनी शर्मा के घर भी छापा, इंदौर में चार जगहों पर रेड। भोपाल इंदौर के अलावा दिल्ली गोवा गुरुग्राम में भी दबिश, कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। भाई तुमने नोटिस किया है कि जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं तभी ऐसे छापे पड़ते हैं, उससे पहले कभी किसी की सरकार को याद नहीं हो रही थी छापा पड़ना है। आईटी की छापेमारी पर अरुण जेटली का बयान, आरोप लगाने वाले बताएं कि घर से करोड़ों क्यों जब्त हो रहे हैं। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप, तीन राज्यों में हार की बौखलाहट का प्रतीक है छापेमारी। कांग्रेस ने कहा चुनाव के पहले छवि खराब करने की सरकार की है कोशिश। भाई तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट से यार, सीरियसली। मतलब ये भाई साहब जी ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, वो उसके ऊपर इंजाम लग रहा था, वो इसके ऊपर इंजाम लग रहा था, पता नहीं भाई क्या होगा हिंदुस्तान। देवबंद में आज मायावती अखिलेश ने की पहली साझा रैली, अजीत सिंह भी रहे मौजूद। मायावती ने कहा ये भीड़ देख कर पीएम मोदी पगला जाएंगे। शेर के सामने सारे गधे इकट्ठे होकर कह रहे हम दिवाली मनाएंगे। अपार भीड़ की जानकारी श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। मायावती ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो यूपी से बीजेपी जाने वाली है, गठबंधन आने वाला है। भाई जब भी यूपी में इलेक्शन आते हैं इनके गठबंधन स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में सबके जोड़े टूटते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वो उसके ऊपर ब्लेम खेल रहा होता है, वो उसके ऊपर ब्लेम खेल रहा होता है। डिसाइड कर लो भाई हिंदुस्तान किसको क्या देना है। कांग्रेस पर मायावती ने किया वार, कहा न्याय योजना के प्रलोभन में ना आए जनता, चुनाव के वक्त ही उन्हें याद आते हैं गरीब। मायावती के मुस्लिमों से वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, बीएसपी सुप्रीमो ने अल्पसंख्यकों से की थी। भाई हमसे सिलेक्शन ले लो, हम जितने भी यंगस्टर्स हैं ना हम सारे टेक्नोलॉजी नॉलेज में बिलीव करते हैं। नई नई आईटी टेक्नोलॉजी दुनिया भर की आ चुकी है हिंदुस्तान में, जिसको आप लगाओगे एक्टिव करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा कलेक्टिंग होगा और लोगों की प्रॉब्लम तक सॉल्व होगी। पर इन मंत्रियों को कौन समझाए यार कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए जो तुम पेपर वर्क करते रहते हो। अखिलेश ने सीधे पीएम मोदी पर किया वार, चायवाला बनकर आए, हमने उन पर भरोसा। लिसन भाई हमने ना लड़ाइयां नहीं करवानी, तो मैं ना जीतता हुआ नहीं दिखना। यूपी सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज समझ लो यार। क्या तुम मंत्री मंत्री खेलते रहते हो एक दूसरे की जॉब में? किया लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा पीएम मोदी से मिलावट का गठबंधन बताते हैं लेकिन ये महापरिवर्तन और नया पीएम बनाने का गठबंधन है। ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। मतलब हम क्या पागल है क्या, ऑलरेडी इतनी सरकारों से तंग है? ठीक है हमें सरकार चाहिए, ठीक है, पर हमें एक ऐसा विश्वासी पर्सन चाहिए घर का जो सारी जिम्मेवारियां अपने सर पे ले सके, ठीक है। ये ना कि आने वाले टाइम पे जीतने के बाद कहे कि ये पेपर वर्क करो, ऐसे करो, वैसे करो। डिसाइड कर लो सरकार करना क्या है तुम्हें, वोट तभी मिलेगी। अखिलेश बोले कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां एक जैसी, कहा कांग्रेस बदलाव नहीं चाहती, पार्टी बनाना चाहती है।
अखिलेश ने कहा इस बार गरीब छीन लेगा चौकीदार से चौकीदारी। वाह वाह यार, मुद्दा जो मेन है ना, मेन मुद्दा कोई नहीं लेके आ रहा, ठीक है बस ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कर क्या दोगे यार, कुछ तो करके दिखाओ यार। अजीत सिंह बोले जनता की भीड़ ने बीजेपी का सफाया तय कर दिया है, कहा नरेंद्र मोदी ने जनता के नहीं अपने दिन अच्छे आने की बात कही थी। हे भगवान हम सबको ऐसा फकीर बना दे। अबे कुछ तो दो यार, कुछ तो ऐसी चीजें कर दो। मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे। अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, कहा विपक्ष। भाई तुम्हें पता है क्या कर रहा है वो बंदा, अकेला बंदा है, मैं तो कहूँ वैसे 20-25 आ जाए कम से कम, देश वो तो हो जाएगा, क्या बोलते क्लीनर, साफ सुथरा तो हो जाएगा। हमें प्राइवेट कंपनियां जैसा सरकार चाहिए अब, ठीक है हम ना चाहिए गवर्नमेंट दफ्तर, हमने देख ली गवर्नमेंट बिल्डिंगों की क्या हालत है, प्राइवेट ऑफिस जितना साफ सुथरा है तो कम से कम चीजें तो खींच के लेता है हमसे, हम मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहे यार तुमसे, पर यार मेहनत करवाओ हर चीज करवाओ, पर चीजें देख के तो करो कम से कम। पक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई ईडी का करते हैं इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर किए करारे वार, दीदी को विकास का। भाई हमारा आज तक भी पागल है यार, सब मतलब सब कुछ पेल रहा है पेल रहा है पेल रहा है, दे रहा है दे रहा है दे रहा है दे। स्पीड ब्रेकर बताते हुए बताया विश्वासघाती। पीएम मोदी ने कहा माँ माटी मानुष का नारा देने वाली दीदी ने माटी के साथ किया विश्वासघात, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। पीएम ने मोदी है तो मुमकिन है नारा भुनाया, कहा आतंकवादियों को घर में घुस कर मारना पहले नामुमकिन लगता था लेकिन अब मुमकिन है। त्रिपुरा के उदयपुर में पीएम मोदी ने की रैली, कहा लेफ्ट का जुल्म सहकर भी। तो मैं ना इस बंदे के भाषण सुनना, ये बंदा है ना ब्लेम गेम नहीं खेलता, बंदा ये नहीं कहता उसने ये किया इसने ये किया, पर करके दिखाता है। अपने टीएमसी को यहाँ घुसते नहीं दिया, त्रिपुरा का बंगाल जैसा हाल नहीं बनने दिया। कुछ बिहार में ममता बनर्जी की भी रैली, मोदी पर हमला किया, कहा चौकीदार चोर है। रैली में ममता ने बोला एक बार चाय वाले पर देश ने किया भरोसा, अब चौकीदार पर भरोसा खतरनाक। 26 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन भरेंगे पीएम मोदी, साथ में अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की होगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कल जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र, सुबह 11 कार्यक्रम। बीजेपी ने जारी किया बीजेपी का थीम सॉन्ग, केंद्र सरकार के 3 सूत्रों का भी किया जिक्र। बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, कठिन और कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। जेटली ने बीजेपी और दूसरे दलों में बताया बुनियादी फर्क, कहा मोदी सरकार ने बिना रुके किया काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने कहा देश को तय करना है कि मजबूत। देख भाई ये मेरा आम आदमी का एक रिएक्शन है न्यूज का, ठीक है बस वही मैं दिखा रहा हूँ, कुछ गलत मत लेना। सरकार चाहिए या मजबूर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया थीम सॉन्ग, सरकार के काम का किया बखान। ओडिशा में बीजेपी ने जारी किया राज्य के लिए संकल्प पत्र, 9 मुद्दों से राज्य में परिवर्तन की बात। कांग्रेस के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे रॉबर्ट वाड्रा, आज तक से बातचीत में दी जानकारी। सोनिया राहुल का नामांकन में भी उनके साथ रहेंगे रॉबर्ट वाड्रा, कहा यूपी में कांग्रेस के लिए करूंगा प्रचार। कांग्रेस ने शुरू किया अब होगा न्याय कैंपेन, गरीबी पर बार 72,000 के नारे के साथ पोस्टर पर राहुल की तस्वीर। कांग्रेस ने भी जारी किया थीम सॉन्ग, 22 सेकंड के गाने में स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार पर जोर। भाई भाई भगवान हमें ना चाहिए तुम्हारे थीम सॉन्ग, भाई काम करके दिखाओ आगे बढ़ो चलो। फारूख अब्दुल्ला का विवाद बयान, आरएसएस को बताया गांधी का हत्यारा। फारूख का केंद्र सरकार पर तंज, बोले जो गांधी के हत्यारे हैं वो आज दिल्ली में सत्ता में है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में लोकसभा चुनाव की तैयारी, बर्फ से भरे इलाके में भेजी गई 29 पोलिंग पार्टियां। पटना में एलजीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकने के लिए सख्त कानून का वादा।
घोषणा पत्र में रोजगार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने का जिक्र, महिला आरक्षण का शर्तों के साथ समर्थन करना चाहिए। किसी को ये कानून का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी को जो है सो पकड़ करके मार दे। कानून को कड़क करना चाहिए और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए किसी को। अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा आरएसएस भागवत और बजरंग दल है मोदी की सेना। ओवैसी की दोटू, बोले मुझे देश से निकालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। राजस्थान के फतेहपुर में दोपहर बाद चली जबरदस्त धूल भरी आंधी, दिन में ही छाया रहा अंधेरा, घरों में कैद होकर रह गए लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बंद, रामपुर में भूस्खलन के बाद बंद हो गया रास्ता। करीब 2 मिनट तक दरकती रही पहाड़ी, हाईवे पर गिरे बड़े बोल्डर और मलबे, लगा लंबा जाम। पाली में भयंकर गर्मी के बाद तेज आंधी से बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा, कई घरों की छत उड़ गई। हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक उठा रेत का गुबार, धूल भरी आंधी के बाद बत्ती गुल। चंपावत में भारी बारिश और ओलावृष्टि, सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने की तोड़फोड़। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला, पैंट्री से दिए गए चिकन खाने के बाद 2 यात्री पड़ गए बीमार। मैं देख लो, रेलवे में खाना मत खाना क्योंकि रेलवे का खाना है ये बर्स्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रेलर की टक्कर में 2 लोगों की मौत। चुनाव से पहले गाड़ियों से कैश की बरामदगी जारी, आंध्र प्रदेश के बिजाग में एक कार से पकड़े गए लाखों रुपए। देखा, यहाँ साले आम इंसान को सैलरी नहीं मिल रही होती है टाइम पे, और तुम जब इलेक्शन में लड़ रहे होते हो तो दुनिया भर का कैश मिल रहा है तुम्हारी गाड़ियों में। यार क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, समझ में नहीं आता यार। मतलब हमें ये चीजें देखनी है क्या? हमें भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, ये चीजें नहीं देखनी है। हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें अपनी चीजें सिक्योर करनी है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी हमारी जरूरत हो, जो हमारी जरूरतों को समझे। हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसा, पैराग्लाइड क्रैश होने से स्थानीय पायलट और एक पर्यटक की मौत। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना में डूबने से एक युवक की मौत, 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित निकाला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्थानीय पार्षदों से भिड़ंत, पुलिस ने एसपी बीएसपी के पार्षदों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में अवैध कैश ट्रांसफर रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 2,60,00,000 रुपए की बरामद। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने स्कॉर्पियो से करीब 500 तोते बरामद किए, 2 गिरफ्तार, वन विभाग को सौंपी जांच। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 65 स्टार कछुए और सोने के गणेश की 4 मूर्तियां पकड़ी गई, तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। बिलासपुर में पुलिस ने पंजाब की महिला चेन स्नैच भाई पकड़ लो कुछ भी जो तुम्हें पकड़ना है, पर इसका ना रिकॉर्ड दे देना हमें, क्योंकि हमें चाहिए होता है, देखना होता है। कोई तो साला ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे ये सबसे रिकॉर्ड दिखे। लोगों को धर दबोचा, सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली कामयाबी। गाजियाबाद में चुनाव से सिर्फ 4 दिन पहले पकड़े गए हथियारों की बड़ी खेप, अदबने हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद हुआ पता नहीं क्या हुआ, भगवान कसम यार, मतलब हिंदू। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों ने रेल पुलिस की महिला एएसआई के साथ की लूटपाट की कोशिश, नाकाम होने पर चाकू मारकर भाग गए। यूपी के टुंडला टोल पर पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ लिया, कंटेनर को छोड़कर फरार हुए ड्राइवर कंडक्टर। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता ने जारी किया पुलिस के हाथों अपनी पिटाई का वीडियो, सीएम योगी से लगाई दखल की गुहार। दिल्ली पुलिस ने दुर्दांत अपराधी प्रभजोत को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए का था इनाम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस स्टैंड पर मारपीट का वीडियो वायरल, संचालक और बसकर्मियों में भिड़ंत। आरा जेल में कैदी ने की फांसी लगाकर जान देने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नहीं खुला विराट कोहली की टीम का खाता, लगातार 6ठा मैच हारी बैंगलोर की टीम, दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट से हरा दिया। खाता की तो बात ऐसे करते हैं जैसे यही। बैंगलोर ने बनाए थे 149 रन, कप्तान विराट कोहली ने खेली 41 रन की पारी। दिल्ली के श्रेयस अय्यर ने खेली 67 रन की कप्तानी पारी, रबाडा ने लिए 4 विकेट। बैंगलोर की ओर से मोइन अली ने खेली 32 रन की पारी, डिविलियर्स के बल्ले से 17 रन। 79 न्यूज हो चुकी हैं, अब और भी न्यूज हो जाएंगी, खत्म, फिर फिनिश। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है बैंगलोर की टीम, हार के बाद बोले विराट, खिलाड़ियों को लेनी होगी जिम्मेदारी।
दूसरे मैच में राजस्थान और कोलकाता में मुकाबला, केकेआर की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी। सस्ते में आउट हुए राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे, सिर्फ 5 रन पर गवाया विकेट। दिल्ली में सोमवार को होगी बीसीसीआई की कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की अहम बैठक। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले के आयोजन स्थलों पर लगेगी मुहर। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन लिन डैन ने जीता मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, पिछले 2 सालों से लिन का यह पहला खिताब। मोटरी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी मुगुरुजा, फाइनल में विक्टोरिया अजारविका से मुकाबला। चीन के सिचुआन के जंगलों में लगी आग फिर से भड़की, अब तक 30 लोगों की मौत। भाई पहले कहते हैं। के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। तो फाइनली फिनिश द न्यूज, कोई भी इतनी खास न्यूज नहीं थी आज की, मतलब 2-3 बस मुझे खास लगी बेटर। आई होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे। एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, घंटी को प्रेस करें और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें हर एक वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।